हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर से बहुत ही मजेदार चटपटा तीखा रेसिपी, जिसको आप बनाकर आराम से 1 से 1.5 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। और खाने में इतना मजेदार लगता है कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम आप आराम से इनको खा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यह टमाटर से हमारा रेसिपी कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप अगला टेस्टी और इजी रेसिपी देख पाए। चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लाल लाल पके हुए टमाटर ले लिए हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत ही सुंदर लाल फ्रेश टमाटर आ रहे हैं, जिससे हम आराम से इनको बना सकते हैं और इस ठंडियों में इनको स्टोर करके रख सकते हैं। पहले हमें टमाटर को बॉयल करना है। टमाटर को अच्छे तरीके से धोकर इनको पैन में रख दिए हैं और उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं और इनको आंच पर रखकर बॉयल करेंगे। बॉयल इतना करेंगे कि हल्का सॉफ्ट हो जाए और इसका छिलका फट जाए, जिससे आराम से इनके छिलका को निकालेंगे। इनको ज्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का छिलका फटने तक ही इनको बॉयल करेंगे। गैस को बंद कर दिए हैं। अब पानी में से टमाटर को निकालकर हम प्लेट में रख लेंगे। इसके पानी में भी टमाटर का बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। अगर आप चाहें तो इस पानी को आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर को तो हम धुलधार कर ही डाले थे और पानी भी हमारा फ्रेश है। अभी यह काफी गर्म है, छिलका निकालने में प्रॉब्लम होगा, यानी हमारे हाथ जलेंगे, इसलिए इनको कुछ देर प्लेट में ही छोड़ देते हैं। जब यह ठंडा हो जाएंगे या इनका गर्माहट हल्का हो जाएगा, तब इसमें के छिलका को निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को छिलका के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका हमें बनाना है पेस्ट। लेकिन हम पेस्ट बनाएंगे तो छिलका हमारे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, इसलिए आप छिलका को निकाल लें तो यह बहुत ही स्मूथ चिकना हमारा रेसिपी बनेगा। इस तरीके से टमाटर के सभी छिलका को हम आराम से फटाफट निकाल लेते हैं। छिलका निकालने के बाद इसका बनाना है पेस्ट। इसके लिए इनको एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे और इनको हम दरदरा होने तक पीस लेंगे, ज्यादा स्मूथ नहीं करेंगे। चलिए, रेसिपी को बनाने के लिए पैन में हम सरसों का तेल रख दिया है। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तड़का के लिए इसमें डालेंगे जीरा और हींग। इन सबको डालने के बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और 5 से 6 लहसुन की कली को भी बारीक कट के डालेंगे और 2 हरा मिर्चा। इन सबको डालने के बाद इसमें हम 1 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको भी बारीक कट के डाल देते हैं। इन सबको हमें गुलाबी होने तक भूनना है। ऑयल में इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं और इन सबको मिक्स करते हुए फटाफट भून लेते हैं। इधर हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यह तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है। इस रेसिपी को हम एक तीखा बनाएंगे, इसलिए इसमें हरा मिर्चा भी डाले हैं और लाल मिर्चा भी। अगर कश्मीरी मिर्चा है तो आप 1 चम्मच भर के डालें और इन सबको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। इससे मसाले भी हमारे फूल जाएंगे और जब इनको हम ऑयल में भूनेंगे तो मसाले भी नहीं जलेंगे। इधर देखेंगे कि प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से गुलाबी हो गए हैं। अब इसमें हम घोल कर रखे हुए मसाला को डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। मसाला में हम पानी डाले हैं, इसलिए ऑयल में बिल्कुल नहीं जलेंगे। फटाफट इनको अच्छे से भूनते हैं। जब तक मसाला से ऑयल अलग ना हो जाए तब तक इनको हम भून लेते हैं। कुछ ही देर में देखेंगे कि मसाला से ऑयल अलग दिखने लगा है, अच्छे से यह भून गए हैं। तब इसमें हम टमाटर के पेस्ट को डाल देंगे और इनको ऑयल में यानी मसालों में हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। आप पके हुए टमाटर के जगह कच्चा टमाटर का भी पेस्ट बनाकर इस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अलग लगेगा। और पके हुए टमाटर से जब हम इस रेसिपी को बनाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है। इनको हमें थिक तक पकाना है, यानी इनको हमें गाढ़ा पका लेना है। इसमें का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होते हैं इनको हम सुखा लेंगे, जिससे यह लंबे समय तक रहेंगे और खाने में भी काफी टेस्टी लगेंगे। पकाते समय यह बहुत ही इधर उधर छिट्टा मारते हैं, इसलिए इनको हम ढक ढक कर पकाएंगे, जिससे इधर उधर छिट्टा भी हमारे नहीं जाएंगे और अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएंगे। जब तक यह एकदम दरदरा न दिखने लगे तब तक इनको पकाना है, यानी इनको हमको इतना ही गाढ़ा करना है। और लास्ट में डाल देंगे नमक। लास्ट में नमक डालने से अच्छे से हमारा अंदाज मिलता है, इसलिए शुरू में नहीं डालेंगे, नहीं तो यह ड्राई होने के बाद कितना होंगे, कहीं नमक हमारा ज्यादा ना हो जाए। और नमक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से यह रेसिपी हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आप 1 हफ्ता से लेकर 1.5 हफ्ता तक खाना चाहते हैं तो यह इसी तरीके से बहुत ही टेस्टी है और मजेदार है। अगर आप इनको 1 से 1.5 महीना तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो गैस को बंद करने के बाद इसमें हम डाल देंगे विनेगर, यानी जो व्हाइट वाला सिरका होता है जिसको हम चाउमीन में डालते हैं, उसको हम 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और आप इनको आराम से 1 से 1.5 महीना तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।
इस तरीके से आप इनको आराम से बनाकर किसी भी पराठा पूरी के साथ या किसी भी स्टफ पराठा के साथ आप इनको आराम से तीनों टाइम खा सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अगर आप कुछ समय के लिए बनाते हैं यानी एक हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालें। अगर लंबे समय के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ना डालें, सिर्फ सादा सिंपल ही बनाएं। और इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें जिससे इसमें ऑयल दिखने लगे और एक दरदरा स्ट्रक्चर आ जाए, तब यह लॉन्ग टाइम तक हमारे रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।